नमस्कार एंड हेलो टू ऑल गार्डन लवर्स, मैं आदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में। हम सभी को नेचर से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। हम सभी सोचते हैं कि काश हम नेचर के पास रह पाते, लेकिन थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता जब हम शहरी इलाकों में रहते हैं। ऐसे में क्यों ना अगर हम एक घर के छोटे से कोने में इस नेचर को ले आए। सोचा है कभी कि ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, आप कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। क्या करना है आपको, इसके बारे में आज के हमारे इस एपिसोड में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। बोनसाई एक जापानीज कला है, कला पद्धति है। इस पद्धति में हम एक बड़े पेड़ के छोटा स्वरूप एक छोटे से गमले में बिल्ड करते हैं और उसी तरीके का जो उसका लुक है, जो उसकी बड़े पेड़ का जो रखरखाव है, उस चीज़ को हम छोटे से पॉट में कंपोज करते हैं और डे टू डे उस बोनसाई को हम नर्चर करते हैं और एक कंप्लीट बोनसाई हम प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे सामने एक केजोरिना का कास्केड बोनसाई है। कास्केड एक्चुअली एक ऐसा रूप है, जब एक पहाड़ पे एक पेड़ ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसका टॉप हमेशा नीचे की तरफ फिर झुकना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो नीचे झुकेगा तो उसका शेप एक झुकाव और उसके बाद झुकाव के बाद वो ऊपर उठता है। तो ये केजोरिना कास्केड शेप में है और इसी का हम मामे बोनसाई कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो ये इसका छोटा स्वरूप है, ये बड़ा और इसका ये छोटा स्वरूप। इसके लिए हम लोग डेफिनेटली वायरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्लांट का नेचर होता है ग्रो करने के लिए अप वो ग्रो होता है। धीरे धीरे उसको हमें डाउन लेके आने के लिए वायरिंग करना होगा। तो ये इस केजोरिना बोनसाई का छोटा स्वरूप मामे केजोरिना है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये डीबीडीबी का फॉरेस्ट है। ये बेसिकली फॉरेस्ट, जैसे हम लोग को सबको पता है कि फॉरेस्ट जंगल एक छोटा सा लैंड है जिसमें बहुत सारा पौधा, कुछ पत्थर, नेचर और छोटे छोटे एनिमल्स, ग्रास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी का ये एक ट्रे के अंदर कंपोजिशन है फॉरेस्ट। और मेरे सामने जो आपको दिख रहा है, ये भी इस जंगल का एक छोटा स्वरूप है। ऑलरेडी हमने एक जंगल को पॉट में क्रिएट कर लिया, अब उससे भी छोटा शेप हम क्या डेवलप कर सकते हैं, वो इस तरीके से हम जंगल को एक छोटे से छोटे पॉट में क्रिएट करेंगे। तो ये मामे जंगल कैटेगरी। मेरे हाथ में ये एक छोटा सा मामे है, ये जेड प्लांट है और इसका तकरीबन साइज 3 इंच है। पॉट का जो डायमेंशन है 2 इंच है और लगभग ये 7 ईयर का है। इसको मैंने छोटे से छोटा करने की कोशिश की है मामे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पिलखन का पौधा है और लगभग ये 6 इंचेस इसकी हाइट है और एक छोटा सा पॉट है, 2.5 इंच की पॉट है। इस पिलखन के पौधे को बनाने के लिए मैंने दो से तीन साल इसको एक पत्थर पे मैंने सेट किया। धीरे 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 जब वो ग्रो कर गया एक नॉर्मल पॉट में, उसके बाद मैंने इसको बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र किया और ऑलमोस्ट अभी 6 to 7 ईयर इसकी एज है। ये चाइनीज़ करौंदा है, इसको भी उसी तरीके से मैंने पहले एक पत्थर पे सेट किया और धीरे धीरे जब उसके रूट उस स्टोन को अच्छे तरीके से जकड़ लिया, फिर उसको हमने फाइनली इस पॉट में ट्रांसफ़र किया और इस पॉट के साथ इसमें 3 साल इसकी एज हो चुकी है। ये उसी चाइनीज़ करौंदे का कास्केट शेप है। ये है जेड प्लांट। इसमें भी वही प्रोसेस मैंने यूज़ किया। सबसे पहले रॉ प्लांट मैंने लिया, रॉ प्लांट को स्टोन के साथ मैंने सेट किया, एक नॉर्मल गमले में ग्रो किया। 3 से 4 साल इस नॉर्मल गमले में ग्रो करने के बाद फिर फाइनली मैंने इसमें पॉट में मैंने
ट्रांसफर कर दिया। तो जाना ना आपने, नेचर को आप अपने घर में ला सकते हैं। आसान है लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही। और क्या क्या कर सकते हैं आप, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये खास कार्यक्रम है नेचर लवर्स के लिए कि कैसे आप अपने नेचर को अपने करीब रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मामे बोनसाई की। ये एक मिनिएचर बोनसाई है, इसे आप आसानी से अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से करना है आपको, इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मामे बोनसाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले एक पौधे की ज़रूरत है, छोटा पौधा, छोटे से छोटा पौधा लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि वो पौधा बहुत हेल्दी हो, बहुत कम समय का ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से छोटा पौधा ले तो लेते हैं लेकिन वो रिसेंटली हमने उसको प्लांट में ग्रो किया हुआ होता है और वो उसके डाई बैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा पौधा है जिसको मैंने अप्रोक्स 3 से 4 साल इसके हो चुके हैं और प्रेमना ये वैरायटी है। इसके साथ हमें क्या किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक पॉट। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। अभी जो मेरे पास सॉइल का जो मिक्सचर है वो मैंने कंपोज लिया है, एक पार्ट पत्तियों की खाद ली है मैंने जो बिल्कुल ड्राई है और एक पार्ट मैंने बदरपुर सैंड लिया है जो यहाँ लोकल हम लोग नॉर्थ इंडिया में बदरपुर बोलते हैं, ये लिया है। आप जमुना सैंड भी ले सकते हैं बट वो ज़्यादा नहीं क्योंकि वो मॉइस्चर को रिटेन करता है, वो मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। बट यहाँ ये क्या करेगा, ये मॉइस्चर को निकाल देगा, मतलब एक्स्ट्रा वाटर को आप सॉइल से निकाल देगा। और नॉर्मल सॉइल ध्यान रखें, पीली मिट्टी ना हो, चिकनी मिट्टी ना हो, वही मिट्टी जो थोड़ी सी मटमैली, आप ग्रे कलर या थोड़ी काली मिट्टी हो वो हो, पीली मिट्टी ना हो क्योंकि पीली मिट्टी में ज़्यादातर चिकनाई होती है। तो ये हमारा सॉइल है जिसको हम लोग मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए। तो अब मैं चलता हूँ ये पौधा जिसको मैं इस पर कंपोज करूँगा। तो सबसे पहले इसकी इसको मैं इस पॉट से निकालता हूँ। पॉट को निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिन पहले, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन पहले पानी देना छोड़ दिया और वो डाईबैक हो गया। पानी कम देना है, उसको सर्वाइव करके रखना है। तो मैंने इसमें पानी डालना कम कर दिया था, पॉट में से निकालने में इजी रहे इस वजह से। अब इसको मुझे उल्टा करेंगे हम और धीरे धीरे इसको हल्का सा इस तरीके से ये पॉट अलग हो गया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी अपने किसी भी रॉ प्लांट को डायरेक्ट पुल करके ना खींचे। अब इस कंडीशन में हमें सारा जो रूट है वो हमें दिख रहा है कि हम रूट हमारा सिस्टम कैसा है, किस तरीके से हम निकाल के इसको कितना रूट कट करेंगे। तो हमारा रूट का कंडीशन देखने के लिए हमें इस तरीके से आपको, और दूसरा अगर हम सामने से पुल करते हैं तो मेन रूट है वो टूटने का डर होता है। तो अब मैं इसमें से एक्स्ट्रा जो सॉइल है वो रिमूव कर लूँ। तो इस टूल्स के मदद से मैं अब सॉइल जब हमें निकालना है तो ये भी ध्यान रहे
अब देखिए ये मेन रूट है, इस रूट को हमें डैमेज नहीं, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो टूट जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन रूट है वो टूटना नहीं चाहिए। जो एक्स्ट्रा रूट है हम डायरेक्ट नीचे से कट कर सकते हैं। 80% मैंने इसमें से रूट काट दिया है और तो लगभग हमारा जो पॉट का साइज़ है उसके हिसाब से मैंने ये सेट कर दिया। अब इसके अंदर, इस पॉट के अंदर हम सॉइल के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट को हम साइड में रखते हैं और इसमें दो होल हैं, इसके हिसाब से हमें इसमें नेट रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा सॉइल, क्योंकि पॉट बहुत छोटा है, मुश्किल से 100-200 ग्राम हमारा इसमें या 250 ग्राम इसमें हमारा सॉइल रहेगा, तो वो रिमूव होके वाटर के साथ नीचे ना चला जाए, इसलिए हमें ये नेट इसके साथ इस तरीके से रखना है। अच्छा, नेट इधर उधर मूव ना करे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से दोनों नेट में पिरोते हुए और नीचे लाके हम इसको बांध देंगे और एक्स्ट्रा जो भी है हमारा वायर इस तरीके से हम कट कर देंगे। अब हम इसमें सॉइल जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको डालेंगे। तो सॉइल को अच्छे से हम जितना ज़्यादा हो सके हम अच्छे से दबा लें, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉट है, इसके अंदर जैसा मैंने पहले भी बोला था कि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वो ड्रेन नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब के ही हमें सॉइल लेना है। तो ये हमारा सॉइल पॉट में रेडी है। एक्स्ट्रा जो भी सॉइल है मैंने हटा दिया है। अब इसके ऊपर हम मॉस ग्रास अप्लाई करेंगे, तो जो भी खाली जगह है हम वहाँ पे मॉस ग्रास अप्लाई करेंगे। ये मॉस ग्रास अभी अप्रैल के टाइम थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, बट कई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि हमें ओवरलैप करके इसके ऊपर अप्लाई करना है, जगह खाली नहीं छोड़ना। जैसे दो पैच हमने लगाया उसके बीच में थोड़ा ओवरलैप रखना है। ये एक बड़ा पैच है, इस बड़ा पैच को हम इस जगह पे यूज़ करेंगे और ये अंदर भी जाना चाहिए। स्टोन के ऊपर थोड़ा ओवरलैप रख सकते हैं। अब मैं इस पर स्प्रे करता हूँ, स्प्रे करने के बाद इसका लुक थोड़ा और बेटर आएगा। स्लांटिंग स्टाइल विंड स्वेप भी हो सकता है, स्लांटिंग स्टाइल है ऑन द रॉक। बोनजाई, मामे बोनजाई रेडी है। ऑलमोस्ट इसका जो शेप है और इसकी हाइट है, बेसिकली शेप आपका स्लांटिंग हो गया, हाइट मैक्सिमम 6 इंच से कम ही है, लेंथ इसकी 4-5 इंच। तो ये हमारा अच्छा, इस बोनजाई को आप इजी टू कैरी
कर सकते हैं। आप किसी भी डाइनिंग टेबल पर रखिए या अपने ऑफिस के टेबल पर रखिए। एक बार फिर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान 31 जुलाई से हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक छोटे से बॉन्साई से आप अपने घर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, इसके बारे में आइए और बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पौधा ये मेरा फाइकस पांडा का है, इसको लगभग 3 साल हो चुके हैं इस पॉट में मुझे ग्रो करते हुए, और अब मैं इसको फाइनल रिपोर्ट करके मामे बोनसाई में कन्वर्ट करूँगा। स्टाइल जो है वो फॉर्मल स्टाइल में रख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले पॉट में से मुझे रिमूव करना है, मैंने पहले भी बताया कि पॉट रिपॉटिंग से पहले वाटरिंग कम कर देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, जिससे रूट पॉट के साथ चिपके ना। अभी भी थोड़ा सा हमें गैप पीछे देना होगा जिससे ये निकल जाए। इस तरीके से इस तरीके से मैंने इसके सॉइल को रिमूव कर लिया। अब बहुत ज़्यादा अब हम सॉइल रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सॉइल हमारा रिमूव हो चुका है। अब इस सॉइल कंडीशन के हिसाब से हमें प्लांट चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि निकालने के बाद हमें दिख रहा है कि इसकी डेप्थ, पॉट की डेप्थ हमें ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने 2 पॉट रखा था। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें इस पॉट को चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी प्लांट के डेप्थ नीचे, रूट का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। बाद में इस पॉट में लगाने के बाद दूसरी बार जब हम रिपॉटिंग करेंगे तो हम उसको कट कर सकते हैं, बट इस कंडीशन में अभी हमें इसे इसी तरीके से यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले इसको मैं साइड में रखता हूँ और पहले जैसे किया, सबसे पहले इसमें एक नेट, सेट कर लेंगे। बट इसमें वायर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि पॉट छोटा है, वहाँ पे 2 छेद थी, यहाँ पे हमारे पास एक ही है, तो एक छोटा सा कंकड़ मैंने इसके साथ फंसा दिया ताकि वो इधर उधर मूव ना हो। और नीचे एक लेयर हमने अपनी सॉइल सेट कर ली, इस तरीके से हमने सॉइल इसमें सेट कर लिया। तो ये हमारा सॉइल, थोड़ा सा एक लेयर, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा पॉट है, फिर निकालना पड़ सकता है, ऊपर से हम और डाल सकते हैं। अब हम प्लांट को सेट करेंगे और देखेंगे कि ये कितना अंदर जा सकता है, कितना मूव हो सकता है। एक बार चेक करते हैं, हम कुछ रूट रिमूव कर सकते हैं,
यस, ये जो ठीकड़े से बने हुए हैं मैंने इसको अलग कर दिया। अब बहुत सावधानी से इसको जगह हमें देना है और फाइनली प्लेस कर देना है। अच्छा, सॉइल हम जब यूज़ कर रहे हैं पॉट के अंदर तो लेयर बाय लेयर हमें थोड़ा सा दबाते रहना चाहिए, क्योंकि छोटा सा पॉट है, कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा और उस गैप के साथ साथ हमारे जितने भी ये लाइक कंपोज हमने यूज़ किया या मिट्टी यूज़ की वो बह के नीचे निकल जाएगा। इसलिए एक दूसरे के साथ बाइंड रहे, एक दूसरे के साथ पकड़ रहे, इसलिए हम दबाते रहेंगे। और लास्ट में साइडों में थोड़ा सा हमें इसको इस तरीके से प्रेस करना है, जिससे कि किनारियां जो है हमारे किनारे में जो भी स्पेस है उसमें भी सॉइल पहुंच जाए। और फिर हम अंगूठे की मदद से इसको हम थोड़ा और एक्स्ट्रा सॉइल ये एक तरीके से हमारा सॉइल प्लेसमेंट रेडी है। अब हम इसके ऊपर मॉसग्रास लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मॉसग्रास से पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी शेपिंग के लिए हमें थोड़ा सा बस वायरिंग करना है, एक दो वायर की ज़रूरत होगी, तो मैं वायरिंग भी आपको करके दिखाता हूँ। सो ये वायर है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी टहनी जो है वो टहनी को आप प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो आपका वायर मुड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली मामे बोनसाई के अंदर। हम बड़े बड़े बोनसाई में जिस तरह से काम करते हैं, मामे में थोड़ा सा डेलिकेसी होती है, उस हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा वायर है वो मुड़ नहीं रहा है, अगर वायर मुड़ जा रहा है तो हमें उससे थोड़ा सा मोटा वायर लेना है। अब मैं इस वायर को इस तरीके से फ्रंट के साइड से या फिर हम बैक्स की साइड से, और वायरिंग के टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि 45 डिग्री का हमारा एंगल होना चाहिए। अब इस पे मैं मॉसग्रास लगा देता हूँ। फाइनल मैं ऊपर भी स्प्रे कर दे रहा हूँ। अब ये एक तरीके से आप देखिए ये कितना छोटा सा पौधा लग रहा है, लेकिन इसकी सुंदरता उस बड़े पेड़ की तरह है जो आपके हाथों में समा गया है। आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम छोटे से छोटा मामे बोनसाई हम कैसे बना सकते हैं, और कैसे अपने डे टू डे लाइफ में जो नेचर लवर हैं वो थोड़ा सा टाइम निकाल के ये छोटे छोटे मामे बना सकते हैं और अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं, और गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपने सपोज़ एक छोटा सा मामे बोनसाई बनाया और उन लोगों को दिया जिनको जो नेचर लवर हैं, जिनको ये पसंद है, तो सोचिए आज के टाइम में उनको कितनी खुशी होगी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे मामे बोनसाई डे टू डे टाइम में हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको इसकी रख रखाव आप ये ध्यान रखें कि जितना छोटा पौधा है उतना उसके हमें उसके वाटर को, उसमें जो वाटरिंग हम करेंगे तो वाटर के टाइम हमें अच्छे से वाटर करना है, क्योंकि अगर वो एक दिन भी सूखा रहा तो हो सकता है कि आपका प्लांट डाईबैक हो जाए।
दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम छत पर बागवानी, जिसमें आपने मामे बोनसाई के बारे में जाना, एक मिनिएचर बोनसाई के बारे में जाना जिसे आप अपने घर में खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपने घर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और नेचर के काफी करीब रह सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।